ग्वालियर में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता चरणदास महंत द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया आपत्तिजनक बयान को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों में सभ्यता ना हो, जिन लोगों में सुशीलता ना हो, जिनमें नैतिकता का स्तर ना हो, ऐसे लोगों से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। बीजेपी कैंडिडेट के लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने अल्प प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे सिंधिया ने कहा कि दक्षिण भारत के कई नेताओं ने मोदी जी के बारे में क्या क्या अभद्र टिप्पणी नहीं की। आज छत्तीसगढ़ के नेता बोल रहे हैं, इससे पहले सुरजेवाला ने हेमा मालिनी के बारे में कितनी अभद्र टिप्पणी की थी, कंगना के बारे में कितनी अभद्रता से बात कही। देखिए, जिन लोगों में सभ्यता ना हो, जिन लोगों में सुशीलता ना हो, जिन लोगों में नैतिकता का स्तर ना हो, उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। दक्षिण भारत के कई नेताओं ने मोदी जी के बारे में क्या क्या अभद्र टिप्पणी की, आज छत्तीसगढ़ के नेता ने कहा। वहां सुरजेवाला जी ने हेमा मालिनी जी के बारे में क्या अभद्र टिप्पणी की, कंगना जी के बारे में क्या अभद्र टिप्पणी की। ये लोग ना देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री का सम्मान कर सकते हैं, ना मातृशक्ति का सम्मान कर सकते हैं, ना किसी समाज का सम्मान कर सकते हैं। उन्हें तो कुर्सी पाने के लिए किसी को भी दफनाना पड़े तो वो तैयार है करने के लिए।